الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط تیرے در پہ تو آنا میرا کام ہے میری بگڑی بنانا तेरा काम है तेरे दर पे तो आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है कहाँ ये प्यार दर और ये मेरी जबी कहाँ ये प्यार दर और ये मेरी जबी तेरे फजलो करम की तो हद ही नहीं तेरे फजलो करम की तो हद ही नहीं जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे उसको अपना बनाना तेरा काम है तेरे दर पे तो आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है और बड़ा ही प्यारा जुमला इंशाल्लाह तुसी गौर नाल सुनोगे तुहाड़ी थकावट लग जाएगी इंशाल्लाह तू ही सत्तार गफ्फार वहाब है और ये सारा जहां तेरा मोहताज है तू ही सत्तार गफ्फार वहाब है और ये सारा जहां तेरा मोहताज है और ये सारा जहां तेरा मोहताज है एक निगाहे करम ही मेरी लाज है एक निगाहे करम ही मेरी लाज है लाज मेरी निभाना तेरा काम है तेरे दर पे तो आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है और बड़ा मोहब्बत वाला जो जहां सब कुछ मिले वो है तेरा ही दर
जहां सब कुछ मिले वो है तेरा ही दर, जहां सब झुक गए वो है तेरा ही घर, जहां सब झुक गए वो है तेरा ही घर, जो फिरते हैं अभी कहीं दर बदर, जो फिरते हैं अभी कहीं दर बदर, उनको एक दर पे लाना तेरा काम है, तेरे दर पे तो आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अल्लाह ताला दा बड़ा ही फजल करम है, अल्लाह ताला दा बड़ा ही फजलो करम है और अल्लाह पाक दी खास रहमत है कि मालिक कायनात ने सानू सारे नू अपने दीन दी नस्बत नल जमा फरमाए। मोहब्बत नल दुआ फरमाओ कि अल्लाह ताला साड़ी सारे दी हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी वास्ते। जीवकार दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज में सुनने वाली निहायत ही इज्जत दिलायक बापरदा बाहया मेरी रूहानी और इस्लामी माओ और बहनों, मेरी तो कबल जमात दे अजीम खुताबा दे बयानात तुसा अहबाब समात फरमा चुके हो। मेरी दिली दुआ है तुसी आमीन को जितने उलामा दीन दी खिदमत दे अंदर सरगर्म ने अल्लाह तमाम उलमाए किराम दी हिफाजत फरमाए। वैसे तो मैं जो कि एक तालिब इलम सा, लेकिन तरतीब ऐसी बन गई कद्दर अल्लाह वमा शा फअल। तुसी दोस्त यकीनन बड़ी मोहब्बत और बड़े खलूस नल तशरीफ फरमाओ, रात दा निसफ नाल वो ज्यादा हिस्सा बीत चुके। यकीनन तुस अहबाब दिया सुबह मसरूफियात भी ने, मैं इस मद्देनजर रख के इख्तिसार नल गुफ्तगू करांगा। मैनु बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इस मुकाम ते एक दीनी इदारे दा इनेकाद कीता जा रहे। मैं इस मौके दे खलूस नीयत नाल दुआ गो हाँ कि इस इदारे दे बानी मेरी मुराद इज्जत माब हजरत मौलाना सरदार अली सरदार साहब हफीज़ाउल्लाह ताला और कारी साजिदुर रहमान साहब और दीगर जितने भी रफ़ाका अहबाब जमात मुआविनीन मुंतजमीन दे अंदर शामिल ने, अल्लाह तमाम दिया जहूद नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। 37 एसपी चक शाह नवाज, चक अजमत खम्मा डोगरा और बहुत सारे कुर्बो जवार तो दोस्त अहबाब बड़ी मोहब्बत नल तशरीफ लियाए ने, बहुत सारे उलमाए किराम मेरी मुराद हाफिज सरफराज साहब हफीज़ाउल्लाह ताला और दीगर तमाम उलमाए किराम दी आमद अल्लाह कबूल फरमाए। हजरात, इस दुनिया कायनात के अंदर हर शख्स इज्जत चाहता है, हर शख्स की ये तमन्ना है कि मैनु इज्जत मिल जाए, जाहो जलाल और मुकाम मिल जाए। इस दी खातर हर इंसान मेहनत कर दे, जिद्दोजहद कर दे, कोशिश कर दे। कोई शख्स ये समझता है कि मैनु माल ज्यादा मिल जाएगा तो मैनु इज्जत मिल जाएगी, कोई शख्स ये समझता है कि मैनु दुनिया दा ओहदा मिल जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी। हजरात, हो सकते दुनिया दा माल मिल जाए, पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए तो इज्जत मिल जाए, दुनिया दा ओहदा कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए तो इज्जत मिल जाए, मगर मैं दावा करना चाहना ये सारिया दियां सारिया इज्जतां ये आरजी इज्जतां ने। रब्बे काबा दी कसम है,
अल्लाह ने हकीकी और दायमी इज्जत अगर रखी है तो अपने दीन दे अंदर रखी। हकीकी और दायमी इज्जत अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर रखी। खुश नसीब है वह बंदा कि जड़ा इस पुरफितन दौर दे अंदर भी अल्लाह दे दीन नाल जुड़िया हो, जिसका ताल्लुक आज भी अल्लाह दे कुरान नाल है, उसकी बड़ी खुशबख्ती है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू इस दौर दे अंदर भी अपने दीन दे मुहिब्बीन लोगों के अंदर शामिल फरमा, जेडे दीन नाल प्यार करने वाले ने, दीन नाल मुहब्बत करने वाले। मैं अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर दो बातें तुहाड़े सामने रखांगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया की इज्जत भी अगर रखी है तो अपने दीन के अंदर रखी है, और अल्लाह ने आखरत की इज्जत भी रखी है तो अपने दीन के अंदर रखी है। बड़ी कीमती बात है। ये मेरा दावा है कि इज्जत किदे अंदर है? दीन अंदर। सारे मिलके बोलो, इज्जत किदे अंदर है? एक बार सारे जिवें तुसी उठ के भी जा सकते सी, असी तुहानू पकड़ के नहीं बिठाया, तुहानू अल्लाह ने बिठाया। अगर तुसी मुहब्बत नाल बैठे हो तो मिल के जवाब दो, इज्जत किदे अंदर है? इज्जत अल्लाह दे दीन दे अंदर। हजरात इस दावे ते मैं चंद एक दलाइल अर्ज करांगा। मेरी दुआ है कुरान और सुन्नत की रोशनी अंदर अल्लाह मैनू बयान करन दी, और फिर असा सारियां नू अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाब मुहम्मद, नबी पाक दा नाम बार बार आएगा, मैनू कहण दी लोड़ ना पवे। रात दे इस पैर भी तुसी मोहब्बत नाल नबी पाक दे दरूदे पाक पढ़ने, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने इन्नहु लकुरआनुल करीम। फरमाया कायनात दे लोगो, मैं इस किताब नू कुराने बात नू इज्जत वाली किताब बनाया, बड़ी मुहतरम किताब बनाया, बड़ी मुकर्रम किताब बनाया। इस दे अंदर इज्जत ही इज्जत है, इस दे अंदर शान ही शान है, मुकाम ही मुकाम है। कुराने पाक आप भी इज्जत वाली किताब है, और जिहड़ा बंदा कुराने पाक नाल जुड़ जांदा है, जिहड़ा बंदा ताल्लुक अपना कुराने पाक नाल मजबूत कर लैंदा है, अल्लाह ताला उस बंदे नूं भी इज्जत अता कर देंदा है। अल्लाह दे हाँ इज्जत वाला बंदा कौन है? जिहड़ा कुराने पाक नाल प्यार करदा है, जिहड़ा इल्मे वही नाल प्यार करदा है, जिहड़ा मुनज्जल मिन अल्लाह शरीयत नाल प्यार करदा है, वह बंदा अल्लाह दे हाँ बड़ा इज्जत वाला, वो बंदा अल्लाह दे हाँ बड़ा काबले कदर बंदा है। इस वास्ते 37 SP दे बासियो, खम्मा डोगरां दे रहन वालियो, चक अजमत तो आन वालियो, पाक वतन दे बासियो, गिरदो नवा पिंडां तो आन वाले, मुहब्बत करन वाले, प्यार करन वाले साथियो, मैं प्यार नाल दरखास्त करना चाहवांगा, आप भी दीन नाल जुड़ जाओ, अपनी औलादां नूं भी दीन नाल जोड़ देवो, इदारियां नाल मुहब्बत कर लो, कुरान पाक पढ़ाण वाले, कुरान सिखाण वाले इदारियां नाल प्यार कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये बड़े इज्जत वाले लोग होया करदे ने, इन्हां दा मुकाम बड़ा उच्चा होया करदा है। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम है, अल्लाह फरमांदे ने शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल किस्त। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जेड़े इलम वाले बंदे ने, जेड़े कुरान वाले बंदे ने, जेड़े सुन्नत दे आलिम लोग ने ना, इन्हां दा मुकाम इन्ना ज्यादा है, इन्हां दी शान इन्नी ज्यादा है। जिथे अल्लाह ताला ने अपनी जात दा जिक्र कीता है, अपने फरिश्तियां दा जिक्र कीता है, उथे नाल ही अल्लाह ताला ने अहले इलम दा जिक्र कीता है, कुरान वालियां दा जिक्र कीता है, हदीस वालियां दा जिक्र कीता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये बड़ी अजमत वाले लोग ने, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है ते अपने दीन दे अंदर रखी है, अल्लाह ताला ने मुकाम रखे है ते अपने कुरान दे अंदर रखे है। ए हुण जरा गौर करिया जे, मुस्लिम पाक अंदर हदीस आंदी है, मेरे अटवाड़े पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहानू बेदार करके चंद गल्लां तुहाडे नाल करना चाहना। अगर तुसा अपनी नींद पूरी करनी है या सुस्ती नाल बैठना है फिर मेरे गल करन दा फायदा कोई नहीं। मुहब्बत दे नाल चंद गल्लां सुन लो ते मैं प्यार नाल इंज कहना चाहना। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से तुहानू बेदार करन वास्ते हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताजीम सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताजीम सीने में मौजूद है। वो जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो जिसने लाकर कलामे इलाही दिया उनका रोजा मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताजीम सीने में मौजूद है। और मोहब्बत नाल गल सुने जे अल्लाह ताला तुहानू मदीने लै जाए अल्लाह ताला तुहानू मक्के दियां ज़ियारतां कराए अल्लाह ताला तुहानू रज रज के काबतुल्ला दा तवाफ करना नसीब फरमाए। जदों तुसी मदीने जाओगे ना ते तुहाडे दिलों आवाज आएगी की आवाज आएगी छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर जमाने में प्यारा नहीं ऐसा मंजर जमाने में प्यारा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताजीम सीने में मौजूद है। मैनू इंज लग रहा है 50% तुहाडी नींद दूर हो गई है ते मैं मुहब्बत नाल होर भी तुहाडी बाकी नींद दूर करा। नतीजा दलालत का नाकाम देखा तशख्खुस परस्ती का अंजाम देखा। समझता है पीरों को हाजत रवा तू जो पकड़ा इन्हें छोड़ बैठा खुदा तू। ये मशहूर मिल्लत फरोशों की दुनिया फरंगी के हल्का बगोशों की दुनिया मुरीदों का है कुछ तेज ढंग इनसे के इरफान का आईना भी दंग इनसे। गुलेशिर को इलाहाद फूले हुए हैं खुदाबंद आलम को भूले हुए हैं। कोई नक्शबंदी कोई कादरी है कोई सोहरवर्दी कोई साबरी है। गुलाम अहमदियत का हामी है कोई कोई वारसी है निजामी है कोई। ये क्या है ये क्या है ये क्या है अगर यावा कोई नहीं है मुसलमान पूछो तो कोई नहीं है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताजीम सीने में मौजूद है। वो जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो जिसने लाकर कलामे इलाही दिया उनका रोजा मदीने में मौजूद है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात तवज्जो करना गौर कर दे जाना जरा मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे प्यारे सहाबी हजरत जनाब उमर रजी अल्लाह तआला दा दौरे खिलाफत आप दे दौरे खिलाफत ने अंदर हजरत जनाब नाफे मक्के दे गवर्नर होया करदे सन। एक दिन हजरत नाफे दा दिल चाया कि मैं जाके जनाब उमर नु मिल के आवां उन्हां दी ज़ियारत करके आवां। मदीने जान दा इरादा कर लिया ते अपनी जगह ते अपना कायम मुकाम इब्ने अब्ज़ा नु बना छड़िया। जदों हजरत जनाब नाफे मदीने
मदीना पाक दे अंदर पहुंचे ना अल्लाहु अकबर अल्लाह ए हजरत जनाबे उमर दी नजर पई फरमान लगे नाफे मैं ते तेनू मक्के दा गवर्नर बनाया सी ते तू मदीने दे अंदर आए दस ना अपना कायम मुकाम किनू बना के आए। हजरत जनाबे नाफे फरमाते ने मैं अपना कायम मुकाम इबने अब्जा नू बना के आया। हजरत जनाबे उमर जलाल दे अंदर आ गए कहन लगे कौन है इबने अब्जा मैं ते इबने अब्जा नू जानदा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमान लगे इबने अब्जा मक्के दे अंदर रहने वाला एक गुलाम है। हजरत जनाबे उमर फरमाते ने इतनी बड़ी मसनत ते एक गुलाम नू क्यों बिठा करके आया है। ते हजरत जनाबे नाफे दा जवाब सुनना ए ही मेरा मौजू है। हजरत जनाबे नाफे फरमाते ने ए जनाबे उमर जी नाफे इबने अब्जा कोई आम बंदा नहीं जे बल्कि इन्नहु लकारी बी किताबिल्लाही इबने अब्जा कोई आम बंदा नहीं जे बल्कि इबने अब्जा अल्लाह दे कुरान दा कारी है। इबने अब्जा अल्लाह दे कुरान दा कारी है। अल्लाह अकबर अल्लाह जदों इन्नी गल कीती है ना जनाबे उमर दी आँखां चों आंसू आ गए फरमान लगे वाकई नबी पाक ने सच्ची गल कीती है। इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहादल किताब अक़वामन व यज़ऊ बिही आखरीन ए कुरान ऐसी किताब है इहदी वजह तो अल्लाह ताला कई कौमां नूं बुलंदियां अता करदा है ते कई कौमां नूं अल्लाह ताला रुसवा कर छड़दा है। यानी जिहड़ा कुरान दी इज्जत करदा है जिहड़ा कुरान नाल प्यार करदा है जिहड़ा कुरान पाक नाल मुहब्बत करदा है अल्लाह ताला नूं बुलंदियां अता कर देंदा है। ए गुलाम नूं किन्ने बैठन देना सी मक्के दी इतनी बड़ी मसनद दे उत्ते अगर अज इस गुलाम नूं बिठाया है ते अल्लाह ताला दे कुरान ने बिठाया है। 37 एसपी दे बासियो गिरदो नवा तो आने वाले हो तालिब इलम यही पैगाम देना चाहता है इज्जत अल्लाह ताला ने रखी है ते अपने कुरान दे अंदर रखी है। इज्जत अल्लाह ताला ने रखी है ते अपने दीन दे अंदर रखी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह तेरा किसी भी खानदान नाल ताल्लुक है तेरा किसी भी बरादरी नाल ताल्लुक है लोग तेरा एहतराम नहीं करते तू कुरान पाक नाल जुड़ जा तू दीन नाल मुहब्बत करया कर। अल्लाह की कसम है अल्लाह चौधरियां नू तेरे पीछे खड़ा कर देवेगा अल्लाह वडेरियां नू तेरे पीछे खड़ा कर देवेगा अल्लाह जागीरदारां नू तेरे पीछे खड़ा कर देवेगा MNA ते MPA तेनू सलाम करया करनगे तू दीन नाल प्यार करया कर तू दीन नाल मुहब्बत करया कर। हजरत मौलाना सरदार अली सरदार साहब हफीजाउल्ला मैंने दी मौजूदगी अंदर एक गल तुहानू सुनावा मौलाना कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब हफीजाउल्ला नाम ते तुसी सारे ही सुनया होएगा बोल TV ते बड़ी देर आके अल्लाह ताला दे दीन दा प्रचार कीता है अल्लाह ताला उन्हां दी हिफाजत फरमाए। चंद दिन पहले ना मैं उन्हां दे क्लिप सुन रहा सां कहण लगे मैं अपने बचपन दी तुहानू गल सुनावा अपने तालिब इलमी दौर दी तुहानू गल सुनावा। फरमांदे ने मैं कराची दे अंदर एक जगह पढ़न वास्ते गया ते मेरे को इन्ने पैसे कोई नहीं कि मैं हॉस्टल की फीस जमा करवा सकां। मेरे जेन अंदर ख्याल आया चल यार कोई आले हदीसा की मस्जिद लभ लै उस मस्जिद के अंदर आराम कर लिया करी अपनी तलीम दे वक्त अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर चला जाई। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाते ने मैं रक्षे वाले नु आखिया यार मैनू ना किसी आले हदीसा की मस्जिद के सामने उतार देवी। फरमाते ने रक्षे वाले ने मैनू मस्जिद के सामने उतार दिता कहते ने मैं मस्जिद जद्दे अंदर पहुंचया कहन लगे समुंदरी दे एक मौलाना सनाउल्ला दया साहब हाफिजाउल्लाह ताला कहन लगे मस्जिद के अंदर इमाम सन उस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद सन मैं जाके उन्होंने सारी गल सुनाई हजरत जी मेरे को पैसे कोई नहीं मैं हॉस्टल की फीस नहीं दे सकता अगर तुसी इजाजत देवो ना तो मैं मस्जिद के अंदर रहायश रख लवा मैं कुछ अयाम वास्ते अल्लाह अकबर मस्जिद के अंदर रुक जावा आन जाम का किराया अफोर्ड कर सकना वा खाने के पैसे अफोर्ड कर सकना वा इजाजत दे देवो मैं मस्जिद के अंदर रह लवा। काली साहब कहन लगे कोई गल नहीं ठीक है। फरमाते ने थोड़ा वक्त गुजरिया नमाज का टाइम होया जब इंतजामिया के लोग मस्जिद के अंदर आए तो मेरे को आके पूछन लग पे कितों आया है काली साहब न कहन लगे मेहमान कितों आया है। जब काली साहब ने गल सुनाई अल्लाह अकबर अल्लाह कहन लगे जी असी तो इस बंदे मस्जिद अंदर नहीं रखांगे अगर राती साडा मस्जिद का कोई समान चोरी हो गया कौन जिम्मेदार बनेगा। अल्लाह अकबर मैं उन्होंने अजमत को सलाम पेश करना वा मौलाना सनाउल्लाह दया साहब फरमाते ने अल्लाह दे बंदे हो जे तुहाडी मस्जिद का नुकसान हो जाए वो मेरी तनख्वाह विचों कट लेना पर तालिब इलम बंदा है इहदे ते जुलम ना करिया जे। फरमाते ने मैं उत्थे रहिंदा रहा अज एक वक्त ऐसा भी आ गया फरमाते ने अज कोई उस मस्जिद के अंदर चंद
चंदा इकट्ठा करने वास्ते दूरों चल के सफीर आ जाए उस मस्जिद दी ओही इंतजामिया कहती है अगर तू इस मस्जिद चो चंदा इकट्ठा करना है ते पहले तेनू इजाजतनामा ते तज़किया खलीलुर रहमान जवेद दा लेके आना पवेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह कल तक जिदे ते चोरियां दे बारे गल्लां पे करदे सन तेनू मस्जिद च रहन नहीं देना मस्जिद दी चोरी हो जाएगी। अज उहनू जनाब अल्लाह अकबर अल्लाह ने किन्नी इज्जत दी है ये सारी दीन दी वजह तो इज्जत दी है एहतराम अल्लाह दे कुरान दी वजह तो मिले है। अल्लाह ताला ने नहीं कह रहे इन्नहू लकुरआनुल करीम ये किताब इज्जत वाली है जिहड़ा इहदे नाल जुड़ जांदा है अल्लाह उहनू भी इज्जत अता करदा है। हजे भी तुहानू गल समझ नहीं आई आओ मैं तुहानू बुखारी दी एक हदीस सुनाना चाहना मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबी हजरत जनाबे अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु नाम तो उन्हां दा सुनिया होएगा मेरे नबी दे बड़े अजीम सहाबी ने हजे नवा नवा नबी पाक ने दावत दीन दा आगाज कीता है लोग दूरों दूरों इलाकों चो चल के आया करदे मेरे नबी दे कोल आके दीन सिखिया करदे कुरान पाक दी आयतां सिखिया करदे जदों वापस जांदे सन ना अमर बिन सलमा दी बस्ती रस्ते दे अंदर आती है ते लोग रुक जाते आराम करने वास्ते सस्तान वास्ते। अल्लाह अकबर अमर बिन सलमा नू कुराने पाक याद करन दा बड़ा शौक है हजरत जनाबे अमर बिन सलमा कोल आके बह जाते जड़िया जड़िया कुरान दियाँ ताज़ा तरीन है तो उतरिया कर दियाँ अमर बिन सलमा याद कर लिया करते सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरत अमर फरमाते ने वक्त आ गया सारी बस्ती ने कलमा पढ़ लिया नबी पाक दा ते अल्लाह दे नबी दी खिदमत दे अंदर आए अल्लाह दे नबी जी कोई इमाम ही मुकर्रर कर दे वो नाल आका फरमाते ने जाओ नज़र दौड़ाओ जिन्हों सब तो ज्यादा तुहाडी बस्ती चो कुराने पाक याद है जिहड़ा कुराने पाक की तिलावत बहुत ही करदा है उन्हों अपने मुसल्ले ते खड़ा कर लो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरत जनाबे अमर फरमाते ने फनादा रूफ इन्नासी लोगों के अंदर नज़र दौड़ाई गई केड़ा बंदा जिन्हों कुरान बहुत याद है फरमाते ने मेरी उम्र सही बुखारी दी हदीस के मुताबिक 8 साल की उम्र है सुनन नसाई पाक दी हदीस के मुताबिक 6 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत जनाबे अमर बिन सलमा फरमाते ने लोगों ने नजर दौड़ाइया बड़े बड़े मेरे नबी दे सहाबा मौजूद सन पर लोगों ने मैनू बाजू तो पकड़िया अपने मुसल्ले ते खड़ा कर लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। किस वास्ते? क्योंकि अमर बिन सलमा नू कुरान याद है ये कुरान नाल मुहब्बत करदा है एहो ही मैं दावा कीता है। अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है ते अपने कुरान दे अंदर रखी है अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है ते अपने दीन दे अंदर रखी है। इस वास्ते सोने दीन नाल प्यार करिया कर दीन नाल मुहब्बत करिया कर जिन्ने तुसी आके बैठे हो। अल्लाह अकबर। मैं संजीदा पैगाम देना चाहना मैं एक कीमती गल तुहाडे हवाले करना चाहना बुजुर्ग बैठे हो अल्लाह ताला ने तुहानू औलादा दित्तियां ने अल्लाह सारियां दी औलादा नू नेक बनाए औलादा वालियो एक गल सुन लो ध्यान नाल अल्लाह दा वास्ता जे अपनी औलादा नू नेक बना के जाया जे अपनी औलादा नू दीनदार बना के जाया जे अपनी औलादा दे सीने दे अंदर कुरान पाक दी मुहब्बत भर के जाया जे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह दी कसम है बाबा जी जदों बंदा मर जाता जे ना कोई बंदे नू याद नहीं करता है मतलब दी दुनिया जे। अल्लाह अकबर। बड़े प्यार दे दावे करने वाले एक दिन तेरी कबर ते आणगे दो दिन तेरी कबर ते आणगे जिहड़े रोजाना आण वाले ने ये हफ्ते बाद आण करनगे फिर महीनियां ते गल आएगी हत्ता के लम्हा ते भी आ जाणगे तेरी कबर दा निशान भी किसे नू याद नहीं हो रहना। मैं तेनू एक गल जिन्ने तुसी आके बैठे हो अल्लाह अकबर अल्लाह जाणदा है लोगों नू अपने बाप की कबर का इलम हों कि वह भी खुश नसीब होंगे ने जेडे अपने बाप की कबर से जाके दुआ करते हैं। किन्ने ऐसे लोग ने शायद ही कोई बंदा ऐसा होएगा जिन्हों अपने दादे की कबर याद होएगी जेड़ा अपने दादे की कबर से जाके दुआ करता है या अपने परदादे की कबर से जाके दुआ करता है कोई याद नहीं करता। पर बाबा जी मैं तुहाडी खिदमत अंदर गुजारिश करांगा जे तुसीं अपना बेटा मौलाना सरदार साहब के हवाले करके जाओगे जे किसी दीनी इदारे अंदर दाखिल कराओगे हाँ हो सकता है थोड़ा बेटा रोजाना थोड़ी कबर ते नहीं जाएगा हफ्ते बाद भी नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। पर याद रख लो थोड़ा बेटा रोजाना 5 मरतबा मस्जिद के अंदर
अंदर आके नमाज पढ़िया करेगा, ते नमाज दे अंदर की पढ़ेगा, रब्बना गफिरली वाली वाली दैया, रब्बना गफिरली वाली वाली दैया, अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, अल्लाह मेरे अब्बू नू भी माफ कर दे, अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, अल्लाह मेरी अम्मी नू भी माफ कर दे, कोई याद नहीं करदा मर जान तो बाद, अल्लाहु अकबर। ओए मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। ओए मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। ओए जिस दिन अगले जहान वल जावेगा, मीट लेगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा, ओए मीट लेगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा, ओए किसे तेरे लग देने कोल ना खलोना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। मोहब्बत नाल गल करनी चाहना, प्यार दा पैगाम देना चाहना, अल्लाह जानते मेरे अबू जान भी फोत हो गए ने, तुसी जिन्ने बैठे हो अल्लाह दे नेक बंदे, जरा एक बारी दुआ कर दियो, अल्लाह मेरे अबू जान दी कामिल मगफिरत फरमाए। मैं थोड़े वास्ते दुआ करना जिन्हां दे वालदैन फौत हो गए ने, अल्लाह ताला तुहाडे वालदैन दी मगफिरत फरमाए। एक हदीस मैं अपने मौजूदे ज़िमन अंदर लिया के बयान करा, मेरे पैगंबर दा फरमान है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा फौत हो जांदा है, उन्हूं कबर दे अंदर दफन कर दिता जांदा है, जदों कबर दे अंदर उन्हूं दफन कर दिता जांदा ना, ते अचानक उदा दर्जा बुलंद हो जांदा है, उन्हूं कबर दे अंदर राहत मिल जांदी है, ते बंदा बड़ा हैरान हुंदा है, ते सवाल करदा है, अन्ना दी हादा, ऐसा मेरे नाल क्यों हो गया, कबर दे अंदर मैनू राहत क्यों मिल गई है, इत्मीनान क्यों मिले है, मेरा दर्जा क्यों बुलंद होया। हदीस पाक दे अल्फाज ने अल्लाह तआला अपने मोहसिन भुलिया नहीं कर दे, वालिदैन तो वध के बंदे दा मोहसिन कौन होया कर दे, अपने अबू वास्ते रज रज के दुआवां करिया कर, मेरी बहना अपनी वालदा वास्ते रज रज के दुआवां करिया कर, ओ तेरे वास्ते सारी जिंदगी दुआवां करते रहे ने, अज तू उन्हां नूं अपनियां दुआवां दे अंदर क्यों याद नहीं रखदा। ओए तैनूं रब दियां जिन्नियां अतामां ने, ओए तैनूं रब दियां जिन्नियां अतामां ने, पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने, ओए तैनूं रब दियां जिन्नियां, ओए तैनूं रब दियां जिन्नियां अतामां ने, पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने। अल्लाह अकबर, ते गल बड़ी प्यारी है, ओए दर दर ते तू रोले जाना सी, तेरे जुर्मा अगे आना सी, दारे दर ते तू रोले जाना सी, तेरे जुर्मा अगे आना सी, हो तेरे सिर तो जुटलियां बलावां ने, हो तेरे सिर तो जुटलियां। अज दी एडी खूबसूरत महफल दे अंदर, इन्ने खूबसूरत कॉन्फ्रेंस दे अंदर मैं पैगाम देना चाहवां, गुस्ताखा तेनू सुकून नहीं लभना कायनात दे अंदर, अपनी अम्मी नू राजी कर लै, अपने बाप नू राजी कर लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक बंदा मेरे नबी बाप दे कोल आया, आके कहन लगा, अल्लाह दे नबी जी अज़नब तू ज़म्बन कसीरा, मैं बड़े गुनाह कर लेने, मैनू दसो ना मेरे गुनाह दी मैनू माफी लभ जाएगी।
करनी के नहीं। आका फरमाते ने अल्लाह का वालिदानी मैनु दस ना क्या तेरे मापे जिंदा ने कि नहीं। कहन लगा अल्लाह दे नबी जी मेरे वहां बाप ते फौत हो गए ने। फरमाया अल्लाह का खाला क्या तेरी खाला जिंदा है। कहन लगा जी अल्लाह दे पैगंबर। फरमाया जा अपनी खाला दी जाके खिदमत करया कर अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देंगे। ओ पाक बदन दे बासियो खाला दी खिदमत करिए अल्लाह गुनाह माफ कर देवे। जे तू अपनी अम्मी नु राजी करें ते रब तेनू किवें माफ नहीं करेगा। जे तू अपने अब्बू नु राजी करें ते रब तेनू किवें माफ नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह जानदा है ए तुहाडे पाक बदन दा ही वाकया है ना। जिस बंदे ने ठुड्डे मार मार के अपने बाप दा दिल दुखाया अल्लाहु अकबर। अल्लाह इंज दा बंदा ना बनी के लोग तेनू बुरे लफ्जा नाल याद करन। अपने अब्बू नु राजी कर लै अपनी वालदा नु राजी कर लै। मैं तां ही मुहब्बत नाल कहंदा पिया वां ओए तेरे सिर तो जो टलियां बलावां ने पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने ओए तेनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओए बंदे बन गए ने तेरे फैन बड़े गल हार फुलां दे पैन बड़े। ओए बंदे इन्हां चौधरां नूं अपनी जगीर ना समझिया कर बल्कि अपने वाले दैन दियां दुआवां समझिया कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उन्हां वास्ते रज रज के दुआवां करिया कर पढ़िया कर रब्बि रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़िया कर रब्बा ने गफिरली वाली वाली दैया। अल्लाहु अकबर। रज रज के अपने अबू वास्ते दुआ करिया कर। ओए बंदे बन गए जो तेरे फैन बड़े गल हार फुलां दे पैन बड़े गल हार फुलां दे पैन बड़े। ओए लोकी तक दे जो तेरिया रामां ने ओए लोकी तक दे जो तेरिया रामां ने पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने ओए तेनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने पिछे मां प्यो दियां दुआवां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह जानदा इस मौजू वास्ते बड़ा वक्त चाहिदा है कि वालिदैन दा एहतराम करना चाहिदा है वालिदैन नाल मुहब्बत करनी चाहिदी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह असीं तुहानूं तुहाडे मां बाप दा फरमा बरदार बनाना चाहने हां उहनां दी कदर करिया करो। ते मेरी जुबान ते जुमले आए ने मैं पढ़न तो बगैर रह नहीं सकदा जुमले बड़े कीमती। अल्लाह करे मेरे अल्लाह मेरी जुबान अंदर कोई ऐसा असर पैदा कर दे मेरे किसी नौजवान भाई नूं गल समझ अंदर आ जाए कोई अपने माँ बाप का गुस्ताख अपने माँ बाप का बाद बन जाए ते उन्हां दा एहतराम करन वाला बन जाए। अल्लाहु अकबर। ओए आ उमर दराजी दा तेनू राज में दस जावा आ उमर दराजी दा तेनू राज में दस जावा माँ बाप नू राजी कर तेरिया बद जान उसामा आ उमर दराजी दा। ओए किड्डा सोना ओ वेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है उस वेड़े च रेंदियां ने सदा गूड़ियां छावा आ उमर दराजी दा। और इस गल नू भुलावी ना कदी मां नू रुलावी ना इस गल नू भुलावी ना कदी मां नू रुलावी ना जे बाप दुआ कर दे ओ तेनू किसे मजार ते जाके देगा चढ़न दी कोई लोड़ नहीं। अल्लाहु अकबर। तेनू किसे कड़ियां वाले तो डरन दी कोई लोड़ नहीं किसे बेनमाज तो डरन दी कोई लोड़ नहीं दीन दे दुश्मन तो डरन दी कोई लोड़ नहीं। अपने बाप दियां दुआवां लिया कर। उलमा मौजूद ने मैं तिबरानी दी हदीस पढ़ना चाहना मेरे पैगंबर ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाब लहुन्ना ला शक फीहिन्ना तीन दुआवां ऐसियां ने जिन्हां नूं अल्लाह ताला कदी रद्द नहीं कर दे। उन्हां विचों एक दुआ कड़ी है दावतुल वालिदी वालदी वालिद जड़ी अपने औलाद वास्ते दुआ कर दे अल्लाह उन्हूं रद्द नहीं करिया कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसे वास्ते मुहब्बत का पैगाम देना चाहना इसे वास्ते प्यार की गल करना चाहना। ओए इस गल नूं बुलावी ना
कदी मानू रुलावी ना, जे बाप दुआ कर दे, जे बाप दुआ कर दे, तेरियां टल जान पलावा। आ उमर दराजी दा पढ़िया कर, रज रज के पढ़िया कर, रब्बना गफिरली वाली वाली दैया। मैं गल मोहब्बत ही कर रहा सा, बाबा जी अपनी औलाद को दीन वाला बना के जाया जे, ताकि पांच वक्त तुहाड़ी औलाद नमाज़ां पढ़े और तुहाड़े वास्ते दुआवां करे। रब्बाना गफिरली वाली वाली दैया, अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे अबू नू भी माफ़ कर दे, अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी अम्मी नू भी माफ़ कर दे। ऐसा कदों होएगा जदों तुसीं अपनी औलादा नू दीन दे लागे लैके आओगे, जदों उन्हां नू कुरान वाला बनाओगे, उन्होंने दीन की समझ दे होगे ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना जरा मेरे तो पहले खतीबे पाकिस्तान कारी अब्दुल रहीम करीम साहब हाफिज़ाहुल्ला, उन्हों का जिक्र खैर हो रहा है, मेरे जहन अंदर एक बात आई है, मैं सलाह के तौर पर तुहाड़े सामने रखनी चाहना वा। हजरत कारी साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर ना एक दिन एक वाकया बयान किया है। फरमाते ने एक बंदा साढ़े इलाके फौत हो गया, तो मैनू सद्या गया, कारी साहब उसका जनाजा तुम पढ़ाने। फरमाते ने मैं चलिया जनाजा पढ़ाने वास्ते, पहुँच गया उस मुकाम से, इधरों जनाजा शुरू हो गया तो एक बंद का मोबाइल उहदे ते बैल लाणी शुरू हो गई, मोबाइल चलना शुरू हो गया। फरमांदे ने अल्लाह अकबर, गाना चल रहा मोबाइल दे अंदर, आखिरकार जनाजा सारा मुकम्मल हो गया पर गाना नहीं मुकिया, गाना चल रहा पहली सफ दे अंदर। फरमांदे ने मैनू बड़ा गुस्सा आया, मैं क्या यार केड़ा बदनसीब बंदा है, इन्हें सानू जनाजा ही नहीं पढ़न दिता। ते नाल दा बंदा कहन लगा, कारी साहब की पुछदे हो, जिहड़े बंदे दा तुसीं जनाजा पढ़िया है ना, इह जिहदे मोबाइल ते फोन आ रहा उहदा इकलौता ही बैठा है। अल्लाह अकबर, जिहदे मोबाइल ते गाना पिया चलदा है, ना खुद जनाजे दियां दुआवां पढ़ियां, ना किसे नूं जनाजा पढ़न दिता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बाबा जी अल्लाह ने तुहानूं जिंदगी अमानत दिती है, अपनी औलाद की सलाह करके जाया जे, औलाद नूं दीन वाला बना के जाया जे, इन्हां दे सीने अंदर कुरान की मुहब्बत भर के जाया जे अल्लाह, ताकि तुहाडे वास्ते सदके जारिया बन जाण। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं जिहड़ी बात दा कर रही हूं, इन्नहु लकुरआनुल करीम, एक किताब इज्जत वाली किताब है, शान वाली ते मुकाम वाली किताब है। जी काफी सारा वक्त बीत गया है, मैं एक हिस्सा गुफ्तगू दा मुकम्मल कीता है, दूसरे हिस्से अंदर सिर्फ दो तीन हदीसा पढ़ के बाद खत्म करनी चाहना। इत दुनिया की इज्जत है, अगर इज्जत लेना चाहते हो ना, फिर दीन दे लागे आ जाओ, कुरान वाले बन जाओ, कुरान नाल मुहब्बत करया करो, उलामा नाल प्यार करया करो, मसाजद दे नाल मुहब्बत करया करो, मसाजद दे नाल प्यार करया करो ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ हुण जरा मैं तुहानू दसना चाहना, अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला कयामत वाले दिन सानू इज्जत दे देवे, मुकाम दे देवे, किवें मिल सकता है? मेरे नबी दा फरमान सुनना दरा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्माहिरु बिल कुरआनी मअस्सफरतिल किरामिल बररा। फरमाया कायनात दे लोगो, जेड़ा बंदा कुरान पाक महारत नाल पढ़दा है, तजवीदी कवायद दा ख्याल करके पढ़दा है, ठहर ठहर के रुक रुक के मुहब्बत दे नाल कुरान पाक पढ़दा है ना, मेरे आका फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह ताला इस बंदे नूं अपने मुअज्जज फरिश्तियां दा साथ नसीब देंगे। जिहड़ा बंदा कुरान पाक नाल मुहब्बत करदा है, कुरान पाक नाल प्यार करदा है, मेरे नौजवान भाई कसरत दे नाल तशरीफ फरमाने, मैं इन्हां दी खिदमत दे अंदर गुजारिश करांगा। भाई जान मैं मुहब्बत दा तुहानू पैगाम देना चाहना वा, अपने मोबाइल च सोने गाने ना रखिया कर, ड्रामे ना रखिया कर, फिल्मा ना रखिया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। मोबाइल दे अंदर रखना ही ते रब दा कुरान रख लेना, कुरान पाक पढ़िया कर, कुरान पाक सुनिया कर मोहब्बत दे नाल। अल्लाह अकबर। ओ यारी नाल कुरान दे लाले तू, अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। माशाल्लाह तुहाडे वास्ते खाना आ गया, ते मैं गल मुकम्मल करन लगा, मोहब्बत नाल सुन लो जरा। यारी नाल कुरान दे लाले तू, अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू, जे साथी तेरा कुरान होवे
कबर वाली आसान होवे, कोई दुख ना हशर मैदान होवे, कोई दुख ना हशर मैदान होवे। पढ़ बिस्मिल्ला सीने लाल तू, यारी नाल कुरान दे लाल तू, अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू, दिन रात कुरान नू पढ़िया कर, राजी रब रहमान नू करिया कर, झंटी दर्जियां ऊपर चढ़िया कर, पढ़ कुरान ते दर्जे पाले तू, यारी नाल कुरान दे लाले तू, अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। जिवें तुसी दारे नाल मुहब्बत कीती है, तामुन कीते, अल्लाह करे जल्दी जल्दी तामीर हो जाए, इत्थे दीन दी इमारत खड़ी हो जाए अल्लाह दी रहमत दे नाल। जिवें तुसी पैसियां नाल माली तामुन पे कर दियो, इवें इंशाल्लाह बच्चे भी दाखिल कराओगे ना इदारे दे अंदर, इंशाल्लाह इनू आबाद करना है। ते मोहब्बत की गल करना चाहना, जो पढ़ने कुरान नू जानते ने, अगों भज भज फरिश्ते आंदे ने, जो पढ़ने कुरान नू जानते ने, अगों भज भज फरिश्ते आंदे ने, पर पैरां हेठ बिछा, ए हदीस दा तर्जमा, पर पैरां हेठ बिछांदे ने, पर पैरां हेठ बिछांदे ने, इना परां उत्ते कदम टिका ले तू, यारी नाल कुरान दे ला ले तू, अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। लो आखरी हदीस पढ़ के बात खत्म कराओ, मोहब्बत नाल सुन लो दरा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बड़ी कीमती है, इंशाल्लाह तुहाडा सीना ठंडा हो जाएगा अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल। मेरे आका फरमा दे ने, मैं इज्जत दी गल करदा पिया वा, कयामत वाले दिन भी इज्जत मिलनी है रब दे कुरान दी वजह करके, अल्लाह ताला दे दीन दी वजह करके। हदीस पाक दे अल्फाज सुनो दरा, फरमाया कल कयामत वाले दिन अल्लाह ताला दे कुरान दा कारी आएगा, आलम दीन आएगा, कुरान पाक नू मोहब्बत नाल पढ़न वाला आएगा, ते अल्लाह ताला कहणगे इकरा वरतकी वरतिल कमा कुलत तुरतिलु फिद दुनिया व इन मंजिलका इंद आखिरी आयतिल कुरान। अल्लाह ताला कहणगे तर्जमा किए, कारिया कुरान पढ़दा जा, जन्नत दे दर्जे चढ़दा जा, कुरान पढ़दा जा, जन्नत दे दर्जे चढ़दा जा, जिथे तेरे कुरान दी आखिरी आयत होएगी उथे जन्नत विच तेरी मंजिल होएगी। कुरान पाक पढ़िया कर मोहब्बत नाल, लो आखरी गिरा लगा के मोहब्बत दी, ते तुहानू इजाजत देवा, हुसी मैं शरदा मैदाने, हुसी मैं शरदा मैदाने, फरमैसी रब रहमाने। असल अंदर मेरी वारी उदों आई है, नाले तुहानू सुनाना पै रहा है, नाले तुहानू जगाना पै रहा है, मोहब्बत नाल सुन लो दरा, ये अहादीस का तर्जमा है, बहुत प्यारी बात है। हुसी मैं शरदा मैं दाने, फरमैसी रब रहमाने, कुरान वाले उच्ची शान वाले, उसी मैं शरदा मैदाने, फरमैसी रब रहमाने, कुरान वाले उच्ची शान वाले, नजर आसन बिच खजीने, उत्ते चमक दे हो सिन सीने, ईमान वाले उच्ची शान वाले, उसी मैं शरदा मैदाने। और बड़ा प्यारा जुमला, हाफिज कुरान दयावे, दा जन्नत नू ले जावे, अज इसनू हक है हासिल, जिनू मर्जी ये बख्शावे, माँ बाप बुलाए जासिल, सोने ताज पवाए जासिल, पहचान वाले उच्ची शान वाले। जड़ी मैं हदीस पढ़ी उदा तर्जमा बड़ा प्यारा, अल्लाहु अकबर, अज कुरआन पढ़दा जा ते मंजिल चढ़दा जा,
एक बारी उची कह दे सुभान अल्लाह। तुसी बड़ी वफादारी की थी है और मोहब्बत नाल आखर ते बेवफाई ना करो, कह दे उची सुभान अल्लाह। अज कुरआन पढ़दा जा ते मंजिल चढ़दा जा, अज कुरआन पढ़दा जा ते मंजिल चढ़दा जा, जिथे अज तेरी बन्ना से उथे वेख अज मेरी अता, उथे वेख अज मेरी अता। अज रब दे वेख फजल ने, अज रब दे वेख फजल ने, तेरे वास्ते हैं महल ले मर जान वाले उच्च शान वाले। फकीरा ना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो मियां दुआ कर चले। व आखिर दावा या अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت। اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। يا الله ساڈے صغيرا كبيرا گناہ معاف فرما، الله ساڈے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، يا الله دکھیاں دے دکھ دور فرما، الله پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، अल्लाह मकरूज़ां दे कर्ज़े दूर फरमा। अल्लाह जिन्हें बे औलाद ने मेरे मौला ने एक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हें कुल बेटे कोई नहीं मेरे मौला ने एक बेटे अता फरमा। अल्लाह जिन्हें कुल बेटे कोई नहीं मेरे मौला ने एक बेटे अता फरमा। जेड़े बेटियाँ दे ख्वाहिशमंद ने अल्लाह ने एक बेटियाँ अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां ने माँ बाप दी अखां दी ठंडक बना दे। अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां ने अपनी कुरान नाल मुहब्बत करन वाला बना दे। वालिदैन वास्ते सदका जारिया बना दे। अल्लाह कई वालिदैन ऐसे भी ने जिहड़े लावारिस हो चुके ने, अल्लाह कबरां दे अंदर मदफून हो चुके ने, पर उन्हां वास्ते दुआवां करन वाला कोई नहीं। अल्लाह औलादां नशियां ते लग गईयां ने, अल्लाह औलादां बेदीन बन गईयां ने, औलादा शराबी बन गई ने। मेरे मौला औलादा नू उना औलादा नू हिदायत दे के अपने वालिदैन वास्ते दुआवां करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडे वालिदैन दे गुनाहां नू माफ फरमा, साडे असातिज़ा दे गुनाहां नू माफ फरमा, मेरे अबू जान समेत जिन्हां दे मां बाप फौत हो गए ने अल्लाह सब नू माफ फरमा। अल्लाह जड़े बीमार ने अपनी रहमत दे नाल शिफावां अता फरमा, जड़े फौत हो गए अल्लाह उन्हां दीआं कबरां जन्नत दे बाग बना। अल्लाह तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता ही रात दा पिछला पैर शुरू हो चुके है मेरे मौला। इस इदारे नू दीन दा मरकज़ बना दे, पूरे इलाके वास्ते रुश्दो हिदायत दा जरिया बना। अल्लाह हजरत मौलाना सरदार साहब और इन्हां दे रफ़का वास्ते सदके जारिया बना दे। अल्लाह जो मंग ले ओ भी अता फरमा दे, जो नहीं मंग सके साढ़े वास्ते बेहतर अल्लाह बिन मंगी हुई अता फरमा दे। अल्लाह तेरे दीन दी वजह करके, तेरे कुरान दी वजह करके जड़े लोग मुहब्बत करते ने अल्लाह तू उन्हां दा प्यार कबूल फरमा। साढ़े मोहतरम नाजिम भट्टी साहब बीमार ने मेरे मौला, तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता अपने बंदे नू सेहत अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। रब्बना ग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन يوم يقوم الحساب। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته।
واهل بيتي اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين।